भारतीय अदाकारा पूनम पांडे अपनी मौत के 2 दिन बाद जिंदा हो गई। जी हाँ, भारतीय अदाकारा और मॉडल पूनम पांडे ने अपनी मौत की खबर को महज एक मुहिम करार देते हुए इन खबरों की तर्दीद कर दी। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से मैं इन हजारों खवातीन के हवाले से नहीं बोल सकती जो सर्वाइकल कैंसर की वजह से अपनी जानों से हाथ धो बैठी हैं। वो इसलिए नहीं मरती कि वो कुछ कर नहीं सकती, बल्कि इसलिए जान गंवा बैठती हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि बीमारी की तशखीस के बाद क्या करना है। अदाकारा ने अपनी वीडियो में कहा कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि दूसरे कैंसर की तरह इस कैंसर का भी इलाज है, जिसके लिए आप सबको टेस्ट करवाना और उसकी वैक्सीन करवाना जरूरी है, और हमें ये बावर करवाना है कि इस सरतान की वजह से मजीद जिंदगियां जाया ना हो। अदाकारा ने एक और भी वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाने पर अवाम से माफी मांगी और बताया कि उनकी मौत की खबर ने दुनिया को बताया है कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और ये किस तरह से खामोशी से जिंदगियां ले जाता है, और मेरी मौत की खबर ने इस कैंसर पर रोशनी डाली है जिस पर बात भी नहीं की जाती। वाज़े रहे कि अदाकारा की मौत का ऐलान उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया गया था जिसमें दर्ज था कि आज सुबह हम सब के लिए एक मुश्किल तरीन सुबह है और हमें ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि आप सबकी प्यारी पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर की वजह से चल बसी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकारा पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर में मुब्तला थी और गुज़िश्ता रोज अदाकारा की मौत की तस्दीक उनकी टीम की जानिब से उनके मुसद्दका इंस्टाग्राम अकाउंट पर की गई थी।